नमस्कार एवरीवन, ओपी सर स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कंजक्शन की जो सीरीज चल रही थी उसके पार्ट वन के अंदर हम बोथ एंड का प्रयोग करना सीख चुके हैं। क्लास टेंथ का जो ग्रामर है उसके अंदर सिलेबस के अंदर कंजक्शन का भाग शामिल है, जिसमें आपके सामने दो वाक्य दिए हुए होंगे और एक कंजक्शन दिया होगा जिसकी मदद से आपको उन दोनों वाक्यों को एक करना है। तो बोथ एंड को हम पढ़ चुके हैं, उसको यदि नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लेवे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइदर और का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। इसे आइदर और भी बोला जाता है, इधर और भी बोला जाता है, परंतु जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो आइदर और है। ठीक है, कैसे इसको प्रयोग करना है और इसका क्या अर्थ होता है पहले उसको समझते हैं। आइदर और का मतलब है या तो ये या फिर वो। ये आपके सामने चॉइस अवेलेबल करवाता है, चॉइस उपलब्ध करवाता है। अब इसके दो तरह से इसके वाक्य बनते हैं, एक तो वो जिसमें सब्जेक्ट सेम है और दूसरे वो जिसमें सब्जेक्ट सेम नहीं है। दोनों प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से हमें एक करना है आइए समझते हैं। पहले देखिए आइदर और, पहला उदाहरण है रीना वॉज स्लीपिंग, हर सिस्टर वॉज स्लीपिंग। रीना सो रही थी, उसकी बहन सो रही थी। ये आपके सामने दो वाक्य है। अब इनको आपको मिलाना है आइदर और का प्रयोग करके। तो आइदर और का मतलब या तो ये या फिर वो। तो यहां पर होगा या तो रीना या फिर उसकी बहन सो रही थी, इसको बनाना है। अब यहां पर देखिए तो यहां पर जो सब्जेक्ट है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है। यहां पर रीना है, यहां पर हर सिस्टर है। तो वे वाक्य जिनके अंदर सब्जेक्ट अलग अलग हो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें करना है पहले हम जहां सब्जेक्ट अलग अलग है वहां पर हमें सबसे पहले आइदर का प्रयोग करना है, फिर पहला सब्जेक्ट लगाना है, फिर और का प्रयोग करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट लगाना है और फिर जो कॉमन भाग है उसका प्रयोग करना है। कैसे, देखिए यहां पर दो सब्जेक्ट है, एक रीना और एक हर सिस्टर। तो हमें क्या करना है, पहले आइदर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट नंबर वन लगाना है। अब सब्जेक्ट नंबर वन कौन सा, ये वाला, यहां पर हम लिखेंगे आइदर रीना। अब उसके बाद और का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट नंबर टू में लगाना है, क्या है, हर सिस्टर। आइदर रीना और हर सिस्टर। अब ये दोनों सब्जेक्ट कर दिए, अब कॉमन भाग कौन सा है, वॉज स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग। तो यहां पर लिख देंगे हम वॉज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा आइदर रीना और हर सिस्टर वॉज स्लीपिंग। दूसरा वाक्य देखते हैं, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। यहां पर देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट है यू और नंबर टू सब्जेक्ट है आई, यानी कि दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो इसी प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तो पहले हम आइदर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वन यू, ठीक है, और आई। अब देखिए यहां पर एक चीज समझने लायक है, इसके बाद देखिए यहां लिखा है आर गोइंग टू टीच द बॉय, यहां पर लिखा है एम गोइंग टू टीच द बॉय। अब हम क्या करें, आर का प्रयोग करें या एम का प्रयोग करें? तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, आइदर और के अंदर और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहां पर और के बाद आई आ रहा है और आई के साथ एम आता है, इसलिए हम करेंगे एम गोइंग टू टीच द बॉय। तो इस प्रकार बनेगा आइदर यू और आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। तीसरा देखिए, अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट अलग थे, यहां पर देखिए सब्जेक्ट सेम है। तो इन वाक्यों को कैसे करना है आइए समझते हैं। यहां पर सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, अब जो भाग अलग है, जो पहला भाग अलग है उसके आगे आइदर लगाओ, फिर वो भाग लिख दो, फिर और लगाओ और दूसरे वाला वो अलग भाग लिख दो। कैसे, देखिए समझते हैं। यहां पर सब्जेक्ट सेम है तो हम यहां पर वो एक बार ही लिखेंगे एक सब्जेक्ट को। अब देखिए यू, फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी आया वो लगाना है, यू मे। अब देखिए, अब यहां टेक इट या लीव इट, तो यहां पर
इससे पहले आइदर लगाना है हमें, आइदर टेक इट, फिर और का प्रयोग करना है और बाकी क्या ये बचा इसको लगाना है लीव इट। ठीक है, यू में आइदर टेक इट और लीव इट, आप इसे ले सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं, दोनों विकल्प आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल, यू मे बी अ लीडर, सॉरी ही मे बी अ लीडर, ही मे बी अ टीचर। यहां पर भी सब्जेक्ट सेम है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मे बी का प्रयोग हो, मे बी का जब भी प्रयोग हो तब आइदर और से जोड़ते समय हमें मे बी को इज आर एम में बदल देना है। किस में बदल देना है, इज आर या एम में बदल देना है। तो यहां पर हम करेंगे, ही कॉमन है पहले ही लिख दिया, ठीक है, अब इस मे बी को इज आर और एम में बदलना है, तो मे बी का या ही सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा, ही इज हो गया। अब ये मे बी को दिमाग से हटा दे, इज का प्रयोग हो गया इसके बजाय, अब बचा क्या, अ लीडर और टीचर, तो एक के सामने आइदर लगा, एक के सामने और लगा, तो यहां पर ही इज आइदर अ लीडर और अ टीचर। तो इस प्रकार बन गया, ही इज आइदर अ लीडर और अ टीचर। इस प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर आइदर और के माध्यम के द्वारा दो वाक्यों को एक बनाना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।